एक्सपेंडिचर क्या होते हैं आपके खर्चे, और एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा भाई, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कैपिटल और रेवेन्यू में? और लेकिन मनी सही, और लिख ले इसको, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तब ये क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आपका है। अच्छा, ये से रीड कर लें, कॉपी नहीं करें अभी, समझ नहीं। देखिए क्या लिखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर टू परचेज एसेट दैट विल बी यूज्ड फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम इन द बिजनेस, यानी कि यहाँ नॉन करंट एसेट की बात हो रही है ना, जो नॉन करंट एसेट ही लॉन्ग टाइम के लिए यूज होते हैं ना। तो क्या लिखा, एसेट दैट विल बी यूज्ड फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम इन द बिजनेस, तो यहाँ बात हो रही है नॉन करंट एसेट की। अच्छा, तो परचेज एसेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, द एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन शॉर्ट आप कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी नॉन करंट एसेट बाय कर रहे हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, क्या एक्सपेंडिचर और नॉन करंट एसेट एक, अच्छा अब एक और पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर आप कोई नॉन करंट एसेट बाय कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाए। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर और नॉन करंट एसेट एम्ड एट इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी परफॉर्मेंस अर्निंग कैपेसिटी। अब आपके पास एक नॉन करंट एसेट है, इस पर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया जिससे आपके एसेट की एफिशिएंसी परफॉर्मेंस या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, तो उसे भी आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये बिल्डिंग की हम बात करते हैं, अगर ऊपर एक क्लासरूम और बना लें, ठीक है, उस पर एक्सपेंडिचर आएगा। अच्छा, एक रूम और बनाने से क्या होगा, इस बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक क्लासरूम और बन जाएगा और स्टूडेंट्स आएंगे, तो इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक मशीन है आपके पास जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 यूनिट्स पर डे। अब उस मशीन में आपने कोई कंपोनेंट ऐड किया और अब उसकी कैपेसिटी हो गई 120 यूनिट्स पर डे, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, पहले 100 यूनिट से 120, तो ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक एसेट था जैसे गाड़ी, फर्ज करें काफी पुरानी हो गई आपके पास, अब आपने उसको इंजन बनवाया, उसका पूरा दोबारा से रिपेंट करवाया, टायर चेंज किए, सीटें बंद, बिल्कुल रिकंडीशन मतलब करवा दी, उससे क्या होगा, गाड़ी की लाइफ हो जाएगी कई साल और यूज हो सकती है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दो पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट आपने कोई नॉन करंट एसेट बाय किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकंड आपके पास नॉन करंट एसेट मौजूद है, उस पर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया जिससे उसकी लाइफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अच्छा, अब क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड विद अ डेबिट एंट्री इन एन एसेट अकाउंट, इसको रिकॉर्ड क्या करेंगे आप, एज एन एसेट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट रिकॉर्ड। क्लियर हो गए? नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी बाद में करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब ये क्या होंगे, शॉर्ट टर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्या लिखे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंसिव एक्सपेंस आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज हो गई, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, अच्छा इंक्लूडिंग परचेज ऑफ गुड्स और ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिससे आपको एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है, इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर जिससे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अच्छा, एक्सपेंडिचर और मेंटेनिंग, अच्छा ये हो गया, इसके बाद सेकंड एक्सपेंडिचर और मेंटेनिंग द एफिशिएंसी परफॉर्मेंस अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट। अब एक नॉन करंट एसेट है जिसमें आपने एक्सपेंडिचर किया जिससे उस एसेट की लाइफ
परफॉर्मेंस एफिशिएंसी मेंटेन हो, बढ़े नहीं, मेंटेन, तो वो रेवेन्यू है। इंक्रीज होगी तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना। मेंटेन, जैसा कि बिल्डिंग है, इसकी मेंटेनेंस पे खर्चा होता है, कलर करवाते हैं, इसे पेंट करवाते हैं, टाइल्स टूट गया, टाइल्स नया लगता है, गेट खराब हो गया, विंडो खराब हो गया, रिपेयर करवाते हैं ना, तो वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है वो किस में आएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपके रिपेयर मेंटेनेंस से आपके एसेट मेंटेन रहता है ना। जैसे आपके से गाड़ी है, गाड़ी की आप ट्यूनिंग करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, पंचर लगवाते हैं, ऑयल चेंज करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, गाड़ी मेंटेन रहती है, मेंटेन रहती है ना, सही चलती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस में जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, नॉन करंट एसेट की मेंटेनेंस पर जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड विद द डेबिट एंट्री इन एन एक्सपेंस अकाउंट। उसको रिकॉर्ड क्या करेंगे एज एन एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे एसेट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है। ओके, कभी आपके एग्जाम किट्स कैपलान एफ ए वन, इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैपलान कल हमने कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे, वो कंप्लीट कर। हाँ तो स्टार्ट है। अगले केंद्र पे क्वेश्चन नंबर 23, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रॉफिट लॉस वाला यही था ना, तो 1500 आंसर आ रहा था क्वेश्चन वन। तो ये एग्जाम किट में क्वेश्चन थ्री जो हमने अभी क्वेश्चन वन किया था, बिजनेस इक्वेशन का ये वाला क्वेश्चन था, 1500 लॉस ऑप्शन बी। ये वाला सवाल था को वो तो अभी करते हैं। तो 44 पहले इससे रिलेटेड कर लेते हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर वो बाकी रहेगा। 44 का आंसर बताएं। सही कौन सा है वो बताना। ठीक ये सही है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पीछे वाले को हिलाए। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 45 45। कैपिटल एक्सपेंडिचर बताने कौन कौन से हैं। ठीक है, 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 46 ठीक है, और 2 2 परचेज ऑफ स्टॉक फॉर रीसेल, ये भी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, परचेज। उसमें देखे लिखा हुआ भी है। 2 3 4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। परचेज ऑफ गुड्स भी तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेता है, उसमें लिखा हुआ भी है डेफिनेशन में। ठीक है, ऑप्शन सी कहाँ नेपाल से।
कहाँ पे एक्सेल सीखा है? एक ही बात है। अच्छा वैसे एक ही बात है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल को हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं। 47, 47 कैपिटल एक्सपेंडिचर रेंट तो एक्सपेंस में आएगा, ऐसे थोड़ी होता है, ऑन करंट ऐसे थोड़ी है रेंट। अच्छा देखिए बी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, रेंट दे रहे आप, आपने एक लीज, ठीक है, प्रॉपर्टी लीज पर मतलब रेंट ही होता है। रीपेंटिंग ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस ये भी एक्सपेंस है। आंसर है ए, हाँ, लीगल फीस एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ एन ऑफिस। देखिए आप एक ऑफिस खरीदा, आपने ऑफिस परचेज किया, वो तो आपका एसेट हो गया। अच्छा ऑफिस खरीदने के बाद उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएंगे, ट्रांसफर करवाने में भी आपकी कॉस्ट आती है, तो वो भी तो आप एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे ना। जैसे कोई आप ऐसे, ठीक है, जैसे घर खरीद रहे हैं, ऑफिस खरीद रहे हैं, शॉप, तो उस पर अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं, ट्रांसफर करवाने में जो खर्चा होगा वो भी एसेट की कॉस्ट में एड हो जाता है, फिर उस टोटल से हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी आपके यहाँ एसेट ही होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, लीगल फीस। तो 47 का ए आंसर, 48, 48 ए में बताते तो पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स आपकी लाइबिलिटी होती है, ये लाइबिलिटी में है। बताएं बी सी और डी में से रेवेन्यू बनाना है, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो स्पेयर फॉर रीसेल है, रीसेल, तो ये आपकी परचेज होगी, इसका तो डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या चीज? हाँ 48 का डी आंसर हो, 48 डी, 49। फोर्टी नाइन ठीक ये तो फिर क्यों कर दिया था आपने? 49 तो बी एड कर चुके हैं पहले, 50, 50, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या नॉट एन आइटम ऑफ कैपिटल, नॉट एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, परचेज ऑफ न्यू मोटर वैन कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी परचेज ऑफ सेकेंड हैंड फैक्ट्री मशीन, भी कैपिटल नहीं हो, सेकेंड हैंड हो एक ही बात है। डी क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मर्सिडीज कार, मतलब क्या इसका, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या रिप्लेस कर दिया, क्या मतलब? पुरानी लेके नई गाड़ी ले ली, रिप्लेसमेंट मतलब पुरानी गाड़ी लेके उसको अपने नई गाड़ी दिलवा दी, गाड़ी है ना एसेट हुआ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये भी, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है ना, पुराने एसेट बेच के नया एसेट ला रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, एसेट है ना। कैपिटल क्या है, कैपिटल होती क्या है, इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, एक्सपेंडिचर तो होता ही नहीं है ना। कैपिटल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, तो वो एसेट एक्सपेंस तो है ही नहीं ना, एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं। ए आंसर होगा, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका एक्सपेंडिचर थोड़ी होता है, ए आंसर। अच्छा ठीक है, हमें ये सब हमने कर लिए थे।
ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये बताएं 64 64 64 बी आंसर ठीक है, ऑप्शन बी पहले का 65 कंप्यूटर परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी पेपर खरीद रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, कार्ट्रिज किया, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी 234। अच्छा 66 कैपिटल एक्सपेंडिचर जी, इधर लास्ट में डी आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अच्छा ये तो हो गया कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा कुछ क्वेश्चन और हमने स्किप किए थे, नंबर नोट किया आपने, पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? 34 थे। अब वो रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, पहला आप कह रहे हैं 34 था, तो 34 से स्टार्ट करते, 36 पहले आता है, 34 बाद में आता है। 34 अब ये बताए 34 कल हमने स्किप किया था, हाँ जी बाकी बताए। अच्छा अभी मैंने लिखवा था मेगा सेट क्या होते हैं, कैपिटल इक्विटी, इक्विटी में क्या होता है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग डी आंसर होता है। अच्छा इसमें जितने रीड कर लें, कुछ नई टर्म्स है वो मैं आपको बाद में पढ़ेंगे, बाकी देख लेंगे आंसर क्या होगा। रीजन बतानी है, जो ड्राइंग्स को क्यों रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग ना, रीजन सेपरेट एंटिटी की वजह से, कि बिजनेस सेपरेट होता है, ओनर सेपरेट एंटिटी, इसलिए ओनर और बिजनेस के बीच जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी वो रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके रीजन क्या है, सेपरेट एंटिटी ऑप्शन ये होगा, बाकी जो टर्म्स हम भी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 36 का आंसर था डी, 37 क्या है, इन्वेंट्री परचेज ऑन क्रेडिट। अच्छा इसके इफेक्ट होंगे क्या, और एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। अच्छा जितने से एसेट इंक्रीज होंगे उतने ही अमाउंट से लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, नेट एसेट्स पर क्या इफेक्ट होगा, अभी मैंने लिखवाया था नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू नेट एसेट। अब यहाँ एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इफेक्ट नो चेंज आएगा ना, जितने से एसेट इंक्रीज होंगे उतने से आपके लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो नेट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर ए हो जाएगा, नेट एसेट और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं आए। अच्छा ये 38 अब एक्सपेंस पे कर रहे हैं, अच्छा इसका इफेक्ट होगा कि आपका एक्सपेंस इंक्रीज होंगे
और एसेट डिक्रीज हो गए ना। अब बताएं नेट एसेट पर, एक बार बोला सुन लिया, अब आगे बताएं बाकी बोले। अच्छा एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसको बताए बी हो सकता है या डी हो सकता है, और बी या डी में चांस आएगा। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ऑप्शन होगा बी या डी में। अच्छा साइनिंग इफेक्ट क्या था, एसेट कैश यानी कि एसेट कम हो रहे हैं, एसेट डिक्रीज होंगे तो नेट एसेट भी डिक्रीज हो जाएंगे ना, एसेट डिक्रीज होंगे तो नेट एसेट भी डिक्रीज होंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेट एसेट डिक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज बी आंसर होगा। के बाद 40 था। अच्छा ये तो भी हमने बाद में पढ़ेंगे, पेबल लेजर क्या होते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डे बुक्स का, वो उसमें डिस्कस करेंगे, तो ये फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहे। के बाद 50 अच्छा 50 हो गया अभी, अच्छा बाकी तो फिर वो कैसा, हाँ और कोई रह गया, देख लेते हैं नजर देख। ये हो गया, अच्छा ये जो 56 है ये भी हमने सॉल्व किया, जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये वाला 14,000 प्रॉफिट आ रहा था, ये भी हो गया 56। ये बाकी क्वेश्चन सारे कैप्लान एफ वन, अच्छा ये हो गया 63 बता दो, 63 रहेगा, 63 डी आंसर होगा, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग तो क्लोजिंग आ जाएगा ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा या क्लोजिंग नेट एसेट, डी आंसर। ठीक है चले यही पे ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी।